Hello and welcome. My name is Shailesh Kumar and you're watching National Defense. Today on March 27th, India conducted Mission Shakti, an anti-satellite missile test from Dr. APJ Abdul Kalam launch complex. This was a technological mission carried out by the DRDO. The satellite used in the mission was one of India's existing satellites operating in low orbit. The test was fully successful and achieved all parameters as per the plans. Prime Minister Mr. Narendra Modi congratulated scientists of Defence Research and Development Organisation for successfully completing the operation codenamed Mission Shakti. Har Hindustani ke liye isse bade garv ka pal nahi ho sakta hai. Kuch hi samay purva hamare vaigyanikon ne antariksh mein space mein 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है. LEO लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था उसे एंटी सैटेलाइट ए सेट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है. द टेस्ट रिक्वायर्ड एन एक्सट्रीमली हाई डिग्री ऑफ प्रेसिजन एंड टेक्निकल केपेबिलिटी. द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट इज दैट इंडिया हैज टेस्टेड एंड सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स केपेबिलिटी टू इंटरडिक्ट एंड इंटरसेप्ट ए सैटेलाइट इन आउटर स्पेस बेस्ड ऑन कंप्लीटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी. With this test, India joins an exclusive group of space-faring nations consisting of USA, Russia and China. भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है. अब तक दुनिया के तीन देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी. अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है. द सैटेलाइट यूज्ड इन एसेट टेस्ट वॉज एन इंडियन सैटेलाइट. द DRDO's बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर वॉज यूज्ड, विच इज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम. इंडिया यूज द काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी टू डेमोन्स्ट्रेट एसेट कैपेबिलिटीज इंस्टेड ऑफ फ्लाई बाय टेस्ट्स एंड जैमिंग बिकॉज इंडिया हैज डेवलप्ड काइनेटिक किल कैपेबिलिटी नाउ. सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है. मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी. वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं. स्पेस टेक्नोलॉजीज आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. इंडिया हैज यूज द टेक्नोलॉजी दैट इज अप्रोप्रिएट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव सेट आउट इन दिस मिशन. इंडियाज टेस्ट इज ए क्लीन टेस्ट एंड पजेस नो हार्म टू स्पेस. The test was done in the lower atmosphere to ensure that there is no space debris. Whatever debris that is generated will decay and fall back onto the earth within weeks. India has a long-standing and rapidly growing space program. It has expanded rapidly in the last 5 years. यह पराक्रम भारत में ही विकसित anti-satellite ASAT मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है. सर्वप्रथम मैं मिशन शक्ति से जुड़े सभी DRDO वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इस असाधारण सफलता को प्राप्त करने में योगदान दिया. आज फिर उन्होंने देश का मान बढ़ाया है. हमें हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है. द मंगलयान मिशन टू मार्स वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड.
Thereafter, the government has sanctioned the Gaganyaan mission, which will take Indians to outer space. India has undertaken 102 spacecraft missions consisting of communication satellites, Earth observation satellites, experimental satellites, navigation satellites, apart from satellites meant for scientific research and exploration, academic studies and other small satellites. आज हमारे पास पर्याप्त संख्या में उपग्रह उपलब्ध हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं जैसे कृषि रक्षा सुरक्षा आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट संचार कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट टीवी मौसम की जानकारियां नेविगेशन शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल के क्षेत्र में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं हमारे उपग्रहों का लाभ सभी को मिल रहा है चाहे वो किसान हो मछुआरे हो विद्यार्थी हो सुरक्षा बल हो दूसरी ओर चाहे वो रेलवे हो हवाई जहाज हो पानी के जहाज हो या परिचालन की कोई भी बात हो इन सभी जगह उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है विश्व में स्पेस और सैटेलाइट का महत्व बढ़ते ही जाने वाला है शायद जीवन इसके बिना अधूरा हो जाएगा ऐसी स्थिति में इन सभी उपकरणों की सुरक्षा पुख्ता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है इंडियाज स्पेस प्रोग्राम इज ए क्रिटिकल बैकबोन ऑफ इंडियाज सिक्योरिटी इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर द टेस्ट was done to verify that India has the capability to safeguard our space assets. It is the government of India's responsibility to defend the country's interest in outer space. The test was done after India had acquired the required degree of confidence to ensure its success and reflects the intention of the government of India to enhance in national security. India has seen an accelerated space development program since 2014. एंटी सैटेलाइट ए सेट मिसाइल भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत की विकास यात्रा की दृष्टि से देश को एक नई मजबूती देगा इंडिया हैज नो इंटेंशन ऑफ एंटरिंग इनटू एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस India has always maintained that the space must be used only for peaceful purposes. India is against the weaponization of outer space and support international efforts to reinforce the safety and security of space-based assets. India believes that outer space is the common heritage of humankind, and it is the responsibility of all spacefaring nations to preserve and promote the benefits flowing from advances made in space technology and its applications for all. May arch. विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो नई क्षमता प्राप्त की है यह किसी के विरुद्ध नहीं है यह तेज गति से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है इंडिया इज ए पार्टी टू ऑल द मेजर इंटरनेशनल ट्रीटीज रिलेटिंग टू आउटर स्पेस India already implements a number of transparency and confidence building measures or TCBMs including registering space objects with the UN register, pre-launch notifications, measures in harmony with the UN space mitigation guidelines, participation in inter-agency space debris coordination activities with regards to space debris management, undertaking SOPA that is space object proximity awareness and COLA that is collision avoidance analysis and numerous international cooperation activities including hosting the UN affiliated Center for Space and Science Technology Education in Asia and Pacific. India has been participating in all sessions of the UN Committee on the Peaceful Use of Outer Space. Bharat हमेशा से ही अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के विरुद्ध रहा है और इससे इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून
अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है. इंडिया सपोर्टेड यूएनजी रेजोल्यूशन 69/32 और नो फर्स्ट यूज प्लेसमेंट ऑफ वेपन्स ऑन आउटर स्पेस. वी सी नो फर्स्ट प्लेसमेंट ऑफ वेपन्स इन आउटर स्पेस एज ओनली एन इंटरिम स्टेप एंड नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर कंक्लूडिंग सब्सटैंडिव लीगल मेजर्स टू एनश्योर द प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस विच शुड कंटिन्यू टू बी अ प्रायोरिटी फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी. हम आधुनिक तकनीक का उपयोग देश के 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए ही करना चाहते हैं. इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवश्यक है. India supports the substantive consideration of issue of prevention of an arms race in outer space in the conference on disarmament where it has been on the agenda since 1982. The principal international treaty on space is 1967 Outer Space Treaty. India is a signatory to this treaty and ratified in 1982. The Outer Space Treaty prohibits only weapons of mass destruction in outer space, not ordinary weapons. India expects to play a role in future in the drafting of international law on prevention of an arms race in outer space, including inter alia on the prevention of the placement of weapons in outer space in the capacity as a major space proven faring nation with the proven space technology. India is not in violation of any international law or treaty to which it is a party or any national obligation. The test is not directed against any country. Hamara samarik uddesh शांति बनाए रखना है, ना कि युद्ध का माहौल बनाना. प्यारे देशवासियों, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जो काम किया है उसका मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा, भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति है. आज का यह मिशन, आज का यह मिशन शक्ति इन सपनों को सुरक्षित करने की ओर एक अहम कदम है. इंडियाज स्पेस कैपेबिलिटीज डू नॉट थ्रेटन एनी कंट्री एंड नॉर आर दे डायरेक्टेड अगेंस्ट एनीवन. एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एंश्योरिंग द कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड इज अलर्ट टू थ्रेट्स emanating from emerging technologies. The capability achieved through the anti-satellite missile test provides credible deterrence against threats to India's growing space-based assets from long-range missiles and proliferations in the types and numbers of missiles. आज की सफलता को आने वाले समय में एक सुरक्षित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र और शांतिप्रिय राष्ट्र की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखना चाहिए. यह महत्वपूर्ण है कि हम आगे बढ़ें और अपने आप को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें. इंडिया हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट द मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस. यूएसए, रशिया एंड चाइना हैड द कैपेबिलिटी, but Chinese anti-satellite program made every peaceful nation worry of their space infrastructure. China in October 2016 secretly tested an anti-satellite missile launched from its Kurla missile facility located in remote Xinjiang province. The test, which was conducted in full secrecy on 30th October, sparked speculation that Beijing was testing a hypersonic orbital weapon aimed at taking down enemy satellites. हमे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने तथा अपने लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना ही होगा. सभी भारतवासी भविष्य की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करें और सुरक्षित महसूस करें, यही हमारा लक्ष्य है. मिसाइल Dongneng 3 traveled at hypersonic speed in a complex upward trajectory. The spiral contrails it left during an energy management steering maneuvers have been widely captured and shared on China's social media. With the development of new weapon,
China had posed a challenge to the security of Indian and American satellites in orbital altitude ranging from 1,000 kilometers to 36,000 kilometers. Indian satellites under threat from Dongnang 3 missiles include 11 Indian remote sensing satellites, technology experiment satellite, RESET 2, CARTOSAT 2, CARTOSAT 2A, CARTOSAT 2B. India's first successful anti-satellite test will prove to be a deterrent if anyone tries to harm India's cyber and space infrastructure. मुझे अपने लोगों की कर्मठता, प्रतिबद्धता, समर्पण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। हम निसंदेह एकजुट होकर एक शक्तिशाली, खुशहाल और सुरक्षित भारत का निर्माण करें। The test signals that China might have been developing an orbital defense system against Indian ICBMs like Agni 6 or a prospective hypersonic demonstrator vehicle, that is HSTDV, based on offensive role of satellite killer. China also fears America's hypersonic weapon platforms like X-51 or ICBM, which can pierce its current strategic air defense system with capability of nuclear strike. The Dongnang 3 or DN-3 missile, which it tested, aims to track, shoot and kill not only just a orbiting satellite, but also the missiles or hypersonic weapons in exo-atmosphere or in Earth's orbit, thereby terminating the missile threats in the Earth's orbit way before entering into the aerospace or China's airspace. The Chinese anti-satellite test cannot be limited to perfecting a near anti-satellite kill vehicle, only as China has already proven to possess that capability way back in January 2007. China had shot down one of its own aging satellite, Fang Yuan 1C Polar Orbital Weather Satellite, and it had launched that satellite in orbit in 1999. मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूँ जो अपने समय से दो कदम आगे की सोच सके और चलने की हिम्मत भी जुटा सके. The capability to intercept was one of the capabilities of PRC Hongqin 19 missile and may be employed to intercept high supersonic gliding targets on the offensive. China has already recently developed KZ-1 and KZ-2 quick response space launchers, a DN-3 weapon based KZ-11 launchers capable of hitting targets at higher orbits. China has been secretly pursuing a broad and robust array of counter space capabilities, which includes direct ascent anti-satellite missiles, co-orbital anti-satellite systems, computer network operations, ground-based satellite jammers, and direct energy weapons. It disguised its anti-satellite test in 2010, 13, and 14 as a missile defense interceptor test. It claimed that each test involved a high-speed intercept of a mock warhead launched by a ballistic missile and not a satellite as a way to avoid debris. China is the third country after Russia and America to possess the technology. And now India becomes the fourth. सभी देशवासियों को आज की इस महान उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस पराक्रम को करने वाले सभी मेरे साथियों को फिर एक बार अभिनंदन करता हूं. China has constantly militarized the space while it publicly maintains to be the advocate of peaceful use of space. India has always been advocating the peaceful use of space. Fearing China's space program, USA has decided to launch a full-fledged space force. You may watch National Defense's documentary titled USA Launched Space Force. Is India ready for a space war? The link is given in the description. बहुत बहुत धन्यवाद. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. Watching National Defense, if you like this video, give it a thumbs up, share and do subscribe. You may write your feedback in the comment box. Stay fit, stay healthy and stay tuned to National Defense. Jai Hind, Vande Mataram.